मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, जाने मौसम का हाल कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपको बता दें कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगई, पश्चिम बंगाल, राजधानी और दक्षिण हरियाणा के एक या दो हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान हीट वेव की स्थिति हो सकती है। वहीं दोस्तों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगई, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के एक या दो हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। जी हां दोस्तों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गोवा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश एवं असम के पूर्वी हिस्सों के अलावा केरल एवं तमिलनाडु में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और तटीय कर्नाटक में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। केरल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, सिक्किम और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हुई। वहीं जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तटीय कर्नाटक के एक या दो हिस्सों में हल्की वर्षा हुई। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, 24 से 26 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश और 24 से 27 और 28 अप्रैल को असम और मेघालय के अलग अलग इलाकों में बारिश के आसार हैं। 24 अप्रैल 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। जी हां दोस्तों, तो ये तो छोटा सा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में शेयर करना। अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।